नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लड़की से छेड़छाड़ करने वाले शनि कश्यप राहुत निवासी पामगढ़ पुलिस के गिरफ्त में, लाखों कोस दूर। छेड़छाड़ का आरोपी के भैया राजा बाबू सीआरपीएफ के हैं, पुलिस ओबीए। बलात्कार के आरोपी राजा बाबू कश्यप ड्यूटी छोड़कर उनके आरोपी भाई को सपोर्ट किया जा रहा है, भागने में पूरा दिया योगदान है, ये आरोप लड़की लगा रही है। कि लड़की का ये भी कहना है, राजा बाबू और सोनू और उनके परिवार वालों के द्वारा लड़की के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, केस को वापस लो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना बोलकर कई लोगों का कहना है। गांव में ही घूम रहे हैं आरोपी, पुलिस अंजाम। देखते हैं पूरा माजरा वीडियो के माध्यम से, आखिर क्या कुछ कहा पीड़ित लड़की ने। जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर के साथ। बाबू कश्यप जो रोहत के निवासी हैं, राजा बाबू कश्यप एक सीआरपीएफ पुलिस में हैं। राजा बाबू कश्यप के नाम से बिलासपुर थाने में 376 का मामला दर्ज है। राजा बाबू कश्यप के छोटे भाई जिनका नाम सनी कश्यप है, उनके भी नाम से छेड़खानी का रिपोर्ट निलंबित किया गया है पामगढ़ थाने में। पुलिस के दौरान राजा बाबू के घर में छानबीन करने जा रहे हैं, लेकिन उनका छोटा भाई सनी फरार है। ये सब में राजा बाबू कश्यप का हाथ है। राजा बाबू कश्यप एक सीआरपीएफ पुलिस होकर अपने भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भाई को छुपा रहे हैं। राजा बाबू कश्यप जी का कहना है कि कुछ भी हो जाए मेरा भाई को वो पुलिस नहीं पकड़ सकती। मेरा कहना है कि राजा बाबू एक सीआरपीएफ पुलिस में होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर में उनका भी भाई तो अपराधी है ना? जब अपराध नहीं करना था तो क्यों छेड़खानी किया? सबकी जिंदगी होती है, सबकी लाइफ होती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।